आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी C43 वर्सेस सिंफनी 430i। तो पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। रियलमी C43 में 6.74 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले और इन्फिनिक्स में आप लोगों को देखने को मिल रहा है 6.6 इंच का डिस्प्ले। और रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोनों में आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो दोनों में आप लोगों को 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल रहा है। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस में आप लोगों को रियलमी C53 में 560 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। इन्फिनिक्स में आप लोगों को 500 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। कैमरे की बात करें तो रियलमी में आप लोगों को 108 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का दो रियर कैमरा देखने को मिल रहा है। इन्फिनिक्स की बात करें तो इन्फिनिक्स में 50+ AKI लेंस देखने को मिल रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियलमी C53 1080p पे 30 fps पे रिकॉर्डिंग करवा देता है। इन्फिनिक्स इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे बेटर रिकॉर्डिंग करके देगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में दोनों में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियलमी आप लोगों को 720p 30 fps पे रिकॉर्डिंग करवा देता है। इन्फिनिक्स इससे थोड़ा बेटर 1080p पे 30 fps पे रिकॉर्डिंग करवा देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो रियल मी में आप लोगों को एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स में आप लोगों को एंड्रॉयड 12 देखने को मिलता है। कस्टम यूआई की बात करें तो रियल मी में आप लोगों को रियल मी यूआई टी एडिशन देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स में आप लोगों को XOS 12 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो रियल मी में आप लोगों को यूनिस्टिगर T612 देखने को मिलता है। इसी तरह इन्फिनिक्स में आप लोगों को मीडिया टेक का 37 देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी में आप लोगों को 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है रियलमी में और इन्फिनिक्स में भी 5000 बैटरी देखने को मिलता है। और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो रियलमी में आप लोगों को 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स में आप लोगों को 10 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। और प्राइस की बात करें तो रियलमी C53 आप लोगों को 6GB 64GB 10,499 में देखने को मिलता है और इन्फिनिक्स आप लोगों को 8 128GB 8,299 में देखने को मिलता है।